Bismillahir Rahmanir Rahim, dear friends, colleagues and students, Assalamu Alaikum Warahmatullah. I hope and I wish that you will be enjoying a very good health and a very good time. जैसे मैंने कल वाली पोस्ट में कहा था कि आज से हमें इंशाल्लाह ताला तमाम एग्जाम्स और एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशंस के हवाले से एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसमें हम पहले फेज में MCQs, दूसरे में शॉर्ट क्वेश्चंस और तीसरे में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके MCQs को डिस्कस करेंगे. ये MCQs हमने कहाँ से लिए हैं, जितने भी हमने इससे पहले UHS के एंट्री टेस्ट्स हुए हैं मेडिकल और जो है डेंटल के लिए और फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड्स के जितने भी हमारे पास्ट पेपर्स हैं हमने वहाँ से ये MCQs लिए हैं. यहाँ हम हर एक MCQ को लॉजिकली रीजंस के साथ जो है डिस्कस करेंगे और उसका सलूशन देंगे. ये सिलसिले की हमारी पहली वीडियो है, इसके बाद और भी वीडियोस आती रहेंगे इंशाल्लाह ताला. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला जो MCQ है वो कुछ इस तरह से है कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज कॉल्ड. नंबर वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंडक्शन. तो करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्वेश्चन इस तरह से था कि जो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट है उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. हियर इट इज अ पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. हाँ, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा होता है तो उसकी जो स्टडी है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. द चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. सो लेट्स मूव towards the next MCQ. The first measurement of the force between electric charges was made in 1884 AD में जो first measurement थी force between electric charges के दरमियान जो electric force होती है उसको सबसे पहले किसने measure किया था, Einstein ने, Coulomb ने, Gauss ने या फिर Faraday ने? The correct answer is Coulomb. Here it is, Mr. Coulomb. Next MCQ. If the distance between two point charges is doubled, the electric force will be. अगर दो electric charges के दरमियान distance को double कर दिया जाए तो electric force के ऊपर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले double हो जाएगी, half हो जाएगी, increase by 4 times, चार गुना बढ़ जाएगी, या decrease by 4 times, या चार गुना कम हो जाएगी. The correct answer is decreases by 4 times, चार गुना कम हो जाएगी. और इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है K Q1 Q2 over R square. अगर इसमें R को हम 2R कर देते हैं तो 2R का जब स्क्वेयर लेंगे तो 4R square हो जाएगा, और 4 जो है वो फोर्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस को डबल करने से हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो चार गुना कम हो जाएगी. चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ इक्वल पॉजिटिव चार्ज इज. दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो इक्वल है, और उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जब हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स होगी वो क्या होगी, 2F, 1F, 0 या फिर नॉन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर है 0. उसकी क्या वजह है कि ये हैं दो पैरेलल प्लेट्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो एक जितना है. जब भी हम इनके दरमियान किसी पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये दोनों या तो उसको अट्रैक्ट करेंगी या फिर रिपेल करेंगी. जैसी सूरत में ये रिपेल कर रही हैं और नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करती इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस फोर्सेस के साथ जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं. तो नेट फोर्स जो होती वो क्या होती, 0. नेक्स्ट MCQ. If air is replaced by any other dielectric medium, the force of attraction or repulsion between two charges. अगर हम दो electric charges के दरमियान air को हटाकर उसकी air को निकाल कर उसकी जगह कोई दूसरा dielectric medium रख देते हैं जिसकी कोई ना कोई relative permittivity होगी तो जो force of attraction या repulsion होगी दोनों charges के दरमियान उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, decreases कम हो जाएगी, increases ज़्यादा हो जाएगी, vanishes बिल्कुल 0 हो जाएगी या फिर remains the same, ना उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? The answer is decreases, कम हो जाएगी. उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि जो electrostatic force का formula है for a dielectric medium वो है 1/4 πε₀ε₀r Q1 Q2 over R square. ER जो है epsilon r है और E naught जो है वो relative permittivity of free space है. जो ER है इसको relative permittivity कहते हैं, इसका force के साथ inverse link है, यानी ER बढ़ती जाएगी. जैसे air के लिए ER होते हैं 1/0006
और वैक्यूम के लिए 1 होता है। तो जब एयर को हटा के कोई और मटेरियल हम जहाँ इस जब इसकी जगह रखेंगे तो डेफिनेटली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी दोनों चार्जेस के दरमियान वो कम हो जाएगी। जैसे डिस्टिल्ड वाटर जो है उस केस में ER की वैल्यू होती है 78.5 और इस ये वैल्यू डिफरेंट मटीरियल के लिए डिफरेंट होती है। सो जब भी हम कोई मटीरियल रखते हैं दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होगी। नेक्स्ट MCQ, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूटन मीटर, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन कूलम या न्यूटन मीटर माइनस 1। द करेक्ट आंसर इज न्यूटन कूलम माइनस 1 या न्यूटन पर कूलम। उसकी वजह यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और चार्ज का यूनिट हो गया कूलम। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ का जो यूनिट है वो बन गया न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट MCQ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम द चार्जेस इन डैश डायमेंशन या डायमेंशंस 1, 2, 3 या फिर नॉन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज 3। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, उसमें से जो निकलने वाली लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो 1, 2 नहीं बल्कि 3 डायमेंशंस में उसकी इर्द गिर्द जो है वो फैल रही होती हैं। जस्ट लाइक अ स्फीयर, स्फीयर के अंदर में से जो निकलने वाली लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो XYZ, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जी, सारी की सारी जो 6 डायरेक्शंस हैं उसमें फैल रही होती हैं, लिहाजा उसको हम 3 डायमेंशंस कहेंगे। नेक्स्ट MCQ, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है φe = E·A, तो इसमें से ए को इधर ले आएं तो ये φe/A और φe क्या बनेगा, नंबर ऑफ लाइंस और ओवर ए पर यूनिट एरिया, एंड दैट इज इक्वल टू ई, एंड ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 कुछ इस तरह से है कि इफ वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, इंक्रीजेस, डिक्रीज, नॉन ऑफ दिस। अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज में से निकल रहा हो तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कम होगी, ज़्यादा होगी या क्या होगा, तो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीजेस। वो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ नेगेटिव चार्ज जो है वो दैट इज रेडियली इनवर्ड, और इनवर्ड जब हम फॉलो करते हुए जाएंगे तो इनवर्ड जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। सो दैट इज वाई कि जब हम एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट MCQ कुछ इस तरह से है कि द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स अराउंड अ टेस्ट पॉजिटिव क्यू चार्ज आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। द करेक्ट आंसर इज रेडियली आउटवर्ड। कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो या नेगेटिव टेस्ट चार्ज हो उसमें से जो निकलने वाली लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो रेडियली होती हैं, रेडियल होती हैं। अच्छा, पॉजिटिव केस में पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होंगी, नेगेटिव चार्ज है जैसे हमने ऊपर वाले MCQs में देखा तो रेडियली इनवर्ड होंगी, और ये 3 डायमेंशनल होती हैं जैसे हमने इससे पहले MCQs में भी बात की है। सो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स अराउंड अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड। That's it. For more videos, don't forget to like, share and subscribe our channel, जिसका नाम मोहम्मद आफ्ताब है और ब्रैकेट में अल्फा साइंस अकेडमी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड साउंड। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इसी सिलसिले की जो दूसरी वीडियो है जिसमें हम MCQs नंबर 11 से शुरू करेंगे और फिर MCQs नंबर 11 से लेकर हम 20 तक जाएंगे, और इसी तरह हमारा ये वाला जो सिलसिला है ये जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।